Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार मेरा जो विषय है व्याख्यान का वो सिविल प्रक्रिया संहिता तथा तो तो परिसीमा विधि है तो इसमें आज तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसके पहले दो लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा जो दोनों लेक्चर क्या थे लेकिन इन दोनों लेक्चर में बना बताने के पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और मेरी शिक्षा दीक्षा सारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं कुछ दिन तक न्यायिक सेवा में भी था आसाम न्यायिक सेवा में भी मैं न्यायिक अधिकारी था और अब मैं प्राध्यापन का काम करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है जैसा कि मैंने आपको बताया और पूरा जो विषय है यह है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इस विषय में जो पहला लेक्चर था वो हम लोगों ने सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा विधि का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें पूरी सीपीसी का काम करती है ये सब मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन ऐसा मामला है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है तो उसमें हम लोगों ने देखा था धारा नौ और धारा नौ में ये बात बताई गई है कि किस वाद को हम बाद आप सूट आप सिविल नेचर कहेंगे तो उसी वाद को ही आप सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत तो इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने कल देखा था सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है न्यायालय की अधिकारिता क्या है और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज जो तीसरा लेक्चर है इसमें जो विषय वस्तु है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल वाद का रोका जाना इसमें दो धाराएं हैं सीपी दो धाराएं हैं इसमें अब मैं आपको इसको बताऊं दोनों का अलग अलग कौन? दूसरे से रिलेटेड है प्रांग न्याय और सिविल वाद हैं तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पहले हम लोग धारा दस बात करेंगे तो सबसे पहले हम धारा दस पे आते हैं धारा दस बोलते हैं। तो अंग्रेजी में बोलते हैं स्टे ऑफ सूट तो कैसे सूट और कब स्टे किया जाएगा इसके लिए धारा दस है तो धारा दस में लिखा हुआ है कि दो मुकदमा जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है और एक दूसरा मुकदमा है तो दो मुकदमे का लंबित होना इससे धारा प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड यह सेम पार्टी के बीच में होगा और सेम सब्जेक्ट में लीजिए एक्स और वाई के बीच में किसी एक प्रॉपर्टी नंबर एक्स का डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में और वो है। तो वही ए और बी उसी प्रॉपर्टी एक्स के लिए फिर अगर धारा दस ये बोलती है कि नहीं भाई आपका मामला सेम सब्जेक्ट के लिए लंबित है तो उसी पार्टी के द्वारा वही मामला फिर बोलते हैं अगर फिर से आप जब उठाएंगे तो क्या होगा फिर से जब उठाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सो ये बाद में लंबित किया गया मामला है जैसे ही बाद में आप जो मुकदमा लेके जाएंगे उसको रोक दिया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा और सिविल कोर्ट कहेगी भाई इस मामले में पहले से मामला लंबित है तो पहले उस मामले को निस्तारण हो नहीं दीजिए क्योंकि आप ही दो लोगों के मामले में यही मामला पहले से लंबित है तो इसको स्टे आप सूट बोलते हैं अब थोड़ा सा इसमें मैं आगे बढ़ता हूं कॉमन पर्वेंस की बात मैंने आपको बताया साधारण भाषा में हम इसको कैसे समझे अब इसको थोड़ा सा मैं कानूनी भाषा में आता हूं इसमें लिखा हुआ है एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होगा दूसरा सबसिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट होगा तो जब सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट सेम पार्टी और सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए होगा तो कोर्ट उसको स्टे कर देगी उसको रोक देगी लेकिन क्या रोकेगी उसका ध्यान दीजिए लिखा हुआ है धारा दस में वो इसके ट्रायल में प्रोसीड नहीं करेगी ऐसा नहीं है कि मामले को एक्सेप्ट नहीं करेगी सिविल कोर्ट उस मामले को एक्सेप्ट कर लेगी एक्सेप्ट करके फाइल बना लेगी फाइल बना करके अपने टेबल पर रख देगी और कहेगी कि जो पहले से मामला आप ही लोगों के बीच में उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके लंबित है है उसको पहले डिसाइड होने दीजिए तो नहीं करेगी ट्रायल में ये बात सेक्शन बोलता इसीलिए हम इसको स्टे बोलते हैं हम रिजेक्शन नहीं बोलते क्योंकि मामला रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा इस मामले को एक्सेप्ट करते हुए न्यायालय इसको अपने पास रख लेगी स्टे कर देगी फॉर द टाइम बिंग इसको स्टे कर देगी होल्ड कर देगी और कहेगी जो मामला ऑलरेडी पेंडिंग है उसको डिसाइड होने दीजिए अब क्वेश्चन है कि जो पहला सूट है वो किस कोर्ट में होना चाहिए और दूसरा जो सूट है वो किस कोर्ट में होना चाहिए तो इसमें न्यायालय की लंबी लिस्ट है अगर आप धारा दस को देखेंगे तो लिखा हुआ है जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो किस कोर्ट में होना चाहिए उसके लिए लिखा हुआ है या तो सेम कोर्ट में हो माने उसी न्यायालय में हो पॉइंट नंबर वन या तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित हो पॉइंट नंबर टू या तो भारत के बाहर किसी न्यायालय में लंबित हो लेकिन वो न्यायालय ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है रिकॉग्नाइज्ड है या तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ये चार तरीके के न्यायालयों की कैटेगरी बताई गई है या तो मामला उसी कोर्ट में लंबित है या तो मामला भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित है या तो मामला भारत के न्यायालय के बाहर किसी कोर्ट में लंबित है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकोगनाइज है और या तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो वो मामला पहला जो इंस्टीट्यूटेड सूट है कहीं पे भी होगा तो जब दूसरा इंस्टीट्यूटेड सूट आएगा तो रोक दिया जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका मामला अगर बनारस के कोर्ट में पेंडिंग है और वही मामला वही दोनों लोग कानपुर में ले लेके इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो बनारस में लंबित है ना चलिए कानपुर वाले को चलाने दीजिए ऐसी बात नहीं है पहला वाला मामला कहीं भी लंबित हो दूसरा वाला मामला भारत के किसी भी न्यायालय में स्टार्ट नहीं होगा और अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहेंगे तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट तो जरूर कर लेगी लेकिन कोर्ट ट्रायल में प्रोसीड नहीं करेगी तो ये है धारा दस का साधारण भाषा में आपको एक एक्सप्लेनेशन अब थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ते हैं इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि सेम सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब तो सेम सब्जेक्ट मैटर में एक फ्रेज यूज किया गया है धारा दस में लिखा हुआ है कि जो मुकदमे में जो मैटर है वो इशू में होना चाहिए मैटर शुड बी इन इशू तो कैसा इशू है लिखा हुआ है कि मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए मैटर शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू ये लिखा हुआ है उसमें तो डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड शूट में है उसी पे यहां पे स्टे लगेगा दूसरे सूट में अगर मान लीजिए पहले वाले सूट में डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू वो नहीं है जो दूसरे सूट में बात की जा रही है तो दूसरा सूट स्टे नहीं होगा क्योंकि केवल डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू ही रोका जाएगा

एक ही मामला उन्हीं पक्षकारों के बीच में उसी न्यायालय में केवल एक बार इंस्टीट्यूट किया जाएगा अगर वही पक्षकार उसी मामले को फिर से इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं किसी भी न्यायालय में भारत में तो दूसरा वाला सूट स्टे कर दिया जाएगा और पहला वाला सूट चलता रहेगा यह है धारा दस अब धारा दस में एक बात है उसमें एक व्याख्या है अगर आप धारा दस को नीचे जब बेरेक्ट में देखेंगे तो उसमें एक व्याख्या है उस व्याख्या में एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रीवियसली सूट फॉरेन कोर्ट में है विदेशी न्यायालय में है सूट तो भारत के न्यायालय में सूट पे स्टे नहीं लगेगा इसका क्या मतलब है मैं इसको साधारण भाषा में उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं इसका मतलब यह है जैसे मान लीजिए हम और आप अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए और जब हम अमेरिका जाते हैं तो वहां पे हमारे और आपके बीच में कोई विवाद हो जाता है उस विवाद को लेकर के वॉशिंगटन के सिविल कोर्ट में हम लोग मामला दाखिल कर देते हैं अभी हमारा मामला वहां पे लंबित ही है तब तक अमेरिकन वीजा हमारा खत्म हो गया और हम दोनों वापस आ गए कानपुर जब हम कानपुर दोनों वापस आ गए तो चूंकि ये मामला हमारा विदेशी न्यायालय में लंबित है उसी मामले को अगर हम दोनों लोग लो कानपुर के सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो हम इंस्टीट्यूट कर देंगे अब ध्यान दीजिए इसमें भी दो मुकदमा है एक जो है अमेरिकन सिविल कोर्ट में लंबित है और दूसरा हम कानपुर में इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो क्या धारा दस में कानपुर वाले में स्टे लगेगा एक्सप्लेनेशन कर रहा है है इसमें स्टे नहीं लगेगा क्योंकि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट वो वो कहां पे होना चाहिए वो भारत के किसी न्यायालय में होना चाहिए अगर वो फॉरेन कोर्ट में लंबित है तो भारत के कोर्ट में उसमें कोई भी स्टे नहीं लगेगा दूसरे वाद को नहीं रोका जाएगा भारत के न्यायालय सक्षम है इसको देखने के लिए तो ये है धारा दस का बेयर प्रोविजन जिसमें सेक्शन दस और इसका एक्सप्लेनेशन बढ़त है और इसमें ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताया माने एक ही मामले को लेकर के मल्टीपल सूट ना हो इसका यही पर्पज है नहीं तो एक ही मामले में कई पेंडेंसी हो जाएगी ऐसे भी कोर्ट के पास बहुत मुकदमे लंबित हैं अगर एक ही मामले में दस दस मुकदमे लंबित करवाने लगेंगे तो न्यायालय को बड़ी दिक्कत हो जाएगी मामले को डिसाइड करने के लिए तो इसी तरीके से यह प्रावधान किया गया है कि भाई कम से कम एक मामले में एक ही मुकदमा इंस्टीट्यूट हो इसका ऑब्जेक्टिव यही है तो ये है धारा दस अब धारा दस में एक बड़ी लीडिंग सा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है उस जजमेंट का नाम मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं आप इसको देखेंगे उस जजमेंट का नाम है इंडियन बैंक वर्सेस इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव को ऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यह केस का नाम है यह केस जो है ए 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1952 पे साइटेड है अगर आप ए में जाएंगे तो आपको यह केस मिल जाएगी अब ध्यान दीजिए केस क्या है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो धारा 10 है ना ये साधारण मुकदमों पे लागू होती है ये सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित साधारण मुकदमों पे लागू होती है धारा दस समरी प्रोसीजर पर लागू नहीं होता और समरी प्रोसीजर सीपीसी के आदेश 37 में वर्णित है आदेश 37 सीपीसी का समरी प्रोसीजर की बात करता है संक्षिप्त प्रक्रियाओं की बात करता है तो संक्षिप्त प्रक्रियाओं पे धारा 10 नहीं लगती धारा 10 साधारण मुकदमों पे लगती है अब थोड़ा समय आपको बता उस समरी प्रोसीजर जो आर्डर 37 सेवन सीपीसी में है वो क्या है थोड़ा समय बता दूं समरी प्रोसीजर ये है जिसमें सिविल कोर्ट का जल्दी से निपटारा किया जाता है सिविल मामले का सिविल कोर्ट के द्वारा

और अगर वह डिफेंड नहीं कर पाएगा तो बाद में उसको लीव टू डिफेंड लेना पड़ेगा लीव टू डिफेंस न्यायालय तभी उसको देगी जब उसका रीजनेबल काज हो कि वो उस डेट पे क्यों नहीं आ पाया और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको डिफेंड नहीं करने दिया जाएगा और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिव स्टेटमेंट मैटर को डिसाइड कर दिया जाएगा तो समरी प्रोसीजर बड़ा स्पेशल प्रोसीजर है सीपीसी के अंदर जिसमें मामले को त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया बताई गई है और वो कुछ स्पेशल मुकदमे पे भी लागू होता है बस तो इसीलिए धारा जो है है ये ये साधारण साधारण सीपीसी के की बात करता इसीलिए मुकदमों पे लगेगा ये समरी प्रोसीजर पे नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो केस हमने यहां पे लिखा हुआ है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ए आई सुप्रीम कोर्ट नाइनटीन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है कि धारा दस जो है साधारण मुकदमे पर लागू होगी समरी प्रोसीजर आर्टर थर्टी सेवन पे लागू नहीं होगी तो ये था पूरी बात धारा दस के बारे में जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडिस स्टे सूट इसको हम इंग्लिश में एक इसका फ्रेज चलता है जिसको हम बोलते हैं जो हमने हिंदी में बोला सिविल वाद का रोक दिया जाना इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस सब जुडिस सिविल वाद का रोक दिया जाना ठीक है ना तो ये था धारा दस अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं धारा ग्यारह धारा ग्यारह इसी की बड़ी बहन है ये इसकी छोटी बहन थी जो पहले स्टेप की बात करती है धारा ग्यारह इसकी बड़ी बहन है अब ध्यान दीजिए धारा ग्यारह क्या है धारा ग्यारह जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं प्रांग न्याय धारा ग्यारह प्रांग न्याय हिंदी में इसको प्रांग न्याय बोलते हैं अंग्रेजी में हम इसको रेस जुडिकेटा बोलते हैं जैसे धारा दस को हम लोगों ने देखा सिविल वाद का रोक दिया जाना या रेस सब जुडिस उसी तरीके से सीपीसी के धारा ग्यारह में हम इसको प्रांग न्याय बोलते हैं या रेस जूडिकेटा बोलते हैं सेक्शन ग्यारह है सेक्शन ग्यारह के साथ आठ एक्सप्लेनेशन है सेक्शन दस अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही एक्सप्लेनेशन था जो हम लोगों ने देखा था कि अगर पेंडेंसी फॉरेन कोर्ट में है तो इंडिया के कोर्ट में स्टे नहीं लगेगा लेकिन यहां पे आप देखेंगे धारा ग्यारह में तो इसमें आठ एक्सप्लेनेशन है जो धारा ग्यारह में वर्णित शब्दों को की बृहद व्याख्या करते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है सीपीसी के अंदर प्रांग न्याय क्लासरूम में हम लोग इसको कई सप्ताह पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें कई केसेस हैं लीडिंग केसेस हैं लेकिन हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे एक साधारण भाषा में इसकी पे बात करेंगे तो धारा ग्यारह में क्या है रेस्ट जोडिकेटा क्या है धारा ग्यारह में थोड़ा सा इसको बेयर एक्ट की भाषा न बोलते हुए साधारण भाषा में आपको बताऊं धारा ग्यारह बोलता है कि दो पक्षकारों के बीच में एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उसी कोर्ट के द्वारा अगर मामले को सुन करके निस्तारित कर दिया गया है तो वही पक्षकार उसी मामले को उसी न्यायालय में फिर से इन्वोक नहीं करेंगे और अगर वह फिर से इन्वोक करेंगे तो न्यायालय उनके इस मुकदमे को सुनेगी ही नहीं धारा में में हम लोगों ने क्या देखा था कोर्ट ट्रायल में प्रोसीड नहीं करेगी लेकिन मुकदमे को एक्सेप्ट कर लेगी धारा ग्यारह में लिखा हुआ है दूसरा वाला मुकदमा कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कोर्ट नॉट ट्राई सूट ध्यान दीजिए सेकेंड सूट को ट्राई ही नहीं करना है जिसको हम सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट बोलते हैं इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ लॉ तो दूसरे वाले सूट को कोर्ट ट्राई ही नहीं करेगी क्योंकि इसमें देर वॉज ऑलरेडी फार्मर सूट ध्यान दीजिए फार्मर सूट एक पूर्ववर्ती मुकदमा इसमें पहले से उपस्थित था वह पूर्ववर्ती मुकदमा सेम से, पक्षकारों के बीच में था वह सेम मामले को लेकर के था और वह उसी कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है हर्ड कर दिया गया और फाइनली डिसाइड कर दिया गया है तो चूंकि वही मामला उसी पक्षकारों के द्वारा ऑलरेडी लंबित था फिर उसको कोर्ट ने सुन भी लिया फिर उसको कोर्ट ने निस्तारित भी कर दिया अब वही पक्षकार उसी मामले को अगर फिर से इंस्टीट्यूट करना चाहेंगे उसी कोर्ट में तो वह कोर्ट इनकी बात को नहीं सुनेगी और इनके सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट को खारिज कर देगी कहेगी आप यहां से भागो दूसरा मुकदमा आपका नहीं सुना जाएगा क्योंकि आपका दूसरा मुकदमा रेस जुडिकेटा से बार्ड है प्रांग न्याय से बार्ड है तो इसको हम बोलते हैं धारा ग्यारह माने सेम पक्षकार सेम सब्जेक्ट मैटर सेम कोर्ट मामले का सुनवाई और निस्तारण कर दिया गया है वही पक्षकार वही मुकदमा उसी न्यायालय में फिर से लेके नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो ये बार्ड होगा रेस्ट जोडिकेटा से अब ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने देखा इसमें कि सेम पक्षकार सेम कोर्ट सेम न्यायालय और फार्मर सूट और सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट तो ये कई सारे टर्म इसमें आ रहे हैं तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि इस सबका मतलब क्या है और इसमें भी एक बात है जैसे धारा दस में हम लोगों ने देखा था कि मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए जिसको मैंने छोड़ दिया था और मैंने आपको बताया था कि धारा ग्यारह के समय मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा इसमें आइएगा फिर इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए जो फार्मर सूट था उसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था जब वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था वो हर्ड कर दिया गया डिसाइड कर दिया गया अब वही मामला जो डायरेक्ट और सब्सटेंशियली इशू था फार्मर सूट में वही सबसिक्वेंट सूट में अगर आएगा तब बाड बाय रेस ज्यूडिकेट आए लेकिन मान लीजिए प्रीवियसली इंस्टिट्यूटेड सूट जो है जो फार्मर सूट है उसमें वो कोलेटरल इशू था कोलेटरल इशू था संपार्श्विक मुद्दा था विवादाध्य था तो दूसरे मामले में ज्यूडिकेटर से बाढ़ नहीं होगा उसको न्यायालय फिर से सुनेगी। सेम, पक्षकार है, सेम, है, सेम सब्जेक्ट मैटर है लेकिन मैटर कैसा है, मैटर वो नहीं है जो और हो गया। तो वही मामला फिर से न्यायालय सुन सकती है तो हम लोग इसको भी यहाँ पे समझेंगे कि इसका क्या मतलब कि मैटर और इन और इसका क्या मतलब मैटर को लेटरली देखेंगे और जितनी भी शब्दावली है जो कठिन शब्दावली है धारा ग्यारह में इसको भी हम लोग ये आठ व्याख्या जो इसमें दिया गया है इस आठ व्याख्या के माध्यम से अभी समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे हम लोग पूर्ववर्तीवाद तो जो कि ऑलरेडी न्यायालय के द्वारा निर्णित हो चुका है तो पश्चातवर्तीवाद में रेस जोडिकेटा लगेगा सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर को यही मैंने आपको बताया अब पूर्ववर्तीवाद का क्या मतलब ध्यान दीजिए एक में बताया गया है धारा ग्यारह की व्याख्या एक में बताया गया है कि इसका क्या मतलब है फार्मर सूट पूर्ववर्ती बाद इसका क्या मतलब है ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा जैसे सिविल कोर्ट में एक्स और वाई ने प्रॉपर्टी नंबर ए के लिए एक मुकदमा दाखिल किया कब एक मार्च दो हजार इक्कीस को एक्स और वाई ने प्रॉपर्टी ए के लिए कानपुर के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया एक मार्च 2021 को फिर वही एक सौरवाई उसी प्रॉपर्टी ए के लिए एक मार्च 2022 को एक साल के बाद बनारस के सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करते हैं तो अब यहां पे जब आप देखेंगे तो पूर्ववर्ती बाद कौन है जो 21 में दाखिल हुआ था पश्चातवर्ती वर्ती बाद कौन है जो 22 में दाखिल हुआ था यह बड़ा सिंपल सी बात है धारा दस के लिए तो यह सही है कि पहला प्रीवियसली इंस्टिट्यूटेड सूट है जो इक्कीस में दाखिल हुआ था और दूसरा वर्ती सूट है वो अभी निस्तारण चल रहा है कानपुर में जबकि 2022 में जो बनारस में इंस्टीट्यूट हुआ उस कोर्ट ने जल्दी जल्दी सुनवाई कर लिया और 2022 वाला पहले निस्तारित हो गया और 2021 जो कानपुर का है वो अभी भी पेंडिंग है तो जो पहले निस्तारित हो गया ये हो गया सूट सेक्शन 11 में हालांकि इंस्टीट्यूट कब किया गया था बाद में लेकिन डिसाइड कब हो गया पहले तो पूर्ववर्ती बाद हम किसको कहेंगे धारा ग्यारह में धारा ग्यारह में हम पूर्ववर्ती बाद उसको कहेंगे जो डिसाइड हुआ है पहले न कि जो दाखिल हुआ है पहले ध्यान दीजिएगा ये बड़ा थिन डिफरेंस है धारा दस और धारा ग्यारह में

वो फार्मर सूट होगा तो बनारस वाला जो मुकदमा है हालांकि वो 22 में डिसाइड हुआ 22 में इंस्टीट्यूट हुआ और 22 में ही डिसाइड हो गया और कानपुर वाला 21 में इंस्टीट्यूट हो गया था लेकिन 22 तक तो डिसाइड ही नहीं हो पाया 2023 आ गया तो रेसिकेटा किस पे लगेगा कानपुर वाले पे लगेगा और बनारस वाला मुकदमा जो निस्तारित हो गया वो फाइनल मान लिया जाएगा तो एक्सप्लेनेशन वन इसको क्लियर करता है कि इसका क्या मतलब पूर्ववर्तीवाद प्रीवियस मीन फार्मर सूट तो फार्मर सूट का क्या मतलब वह सूट जो पहले डिसाइड हुआ है न कि वो सूट जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया था ये धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन वन अब धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन टू क्या बात करता है आठों एक्सप्लेनेशन को क्रम से हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन टू बोलता है कि कॉम्पिटेंसी आपको अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा धारा दस और ग्यारह में थोड़ा समय करता हूं धारा दस में हम लोगों ने देखा था न्यायालय कहा मामला कहां पेंडिंग होना चाहिए किसी भी न्यायालय में चाहे सेम कोर्ट में हो चाहे भारत के किसी न्यायालय में हो चाहे बाहर के न्यायालय में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज न्यायालय हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन जब आप धारा ग्यारह की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें यह लिखा है कि ना ना पेंडेंसी सेम कोर्ट में होना चाहिए अब क्वेश्चन ये कि सेम कोर्ट का क्या मतलब ध्यान दीजिए तो यहां पर एक्सप्लेनेशन टू धारा ग्यारह का बताता है सेम कोर्ट का मतलब सेम कोर्ट का मतलब आइडेंटिकल कोर्ट नहीं सेम कोर्ट का मतलब सिमिलर कोर्ट आप सेम जोरिस्ट्रिक्शन जैसे मान लीजिए आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन में और वही व्यक्ति उसी सब्जेक्ट मैटर के लिए सूट इंस्टीट्यूट करते हैं बनारस सिविल जज जूनियर डिवीजन में ये सेम कोर्ट है दी पर्पज आप सेक्शन इलेवन एक्सप्लेनेशन टू के हिसाब से ये सेम कोर्ट है क्योंकि सेम कोर्ट का मतलब आइडेंटिकल नहीं सेम कोर्ट का मतलब सिमिलर आप सेम रैंक सेम डिजेग्नेशन तो ये राइट टू अपील से डिसाइड नहीं हो गया एक्सप्लेनेशन वन में लिखा है राइट टू अपील से नहीं डिसाइड करना है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट उसके रैंक और डिजेग्नेशन से डिसाइड करना है तो सेम कोर्ट का यह मतलब है कि उसी तरीके की न्यायालय भारत में कहीं भी अगर स्थित है और उसमें आपका मामला डिसाइड हो चुका है तो उसी तरीके के दूसरे न्यायालय में फिर से आप मुकदमा इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे बाई रेस तो तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन है है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का क्या मतलब तो वन बताता फार्मर सूट का क्या मतलब एक्सप्लेनेशन टू बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का क्या मतलब अब एक्सप्लेनेशन थ्री पे आइए ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन थ्री क्या बताता है एक्सप्लेनेशन थ्री पे आने के पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि मैटर शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू यह बात मैंने आपको धारा दस में भी बोला था और फिर मैं धारा ग्यारह में भी बताया था कि मैटर डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू में होगा तभी स्टे ऑफ भी लगेगा धारा दस में दूसरे वाले मुकदमे पे और दूसरे वाले मुकदमा को बार्ड वाइर जुडिकेटा भी तभी होगा जब पहले वाले में डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू था तो अब डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू का क्या मतलब इसको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से मैं अभी आपको स्क्रीन पे बताने का प्रयास करूंगा और तब हम एक्सप्लेनेशन वन पे आएंगे तो थोड़ा सा आप स्क्रीन पे नजर डालें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब देखिए मैं लिख रहा हूं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन इशू इसका क्या मतलब इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं दो भाग में एक को हम बोलते हैं मैटर एक्चुअली इन इशू मैटर एक्चुअली इन इशू और दूसरे को हम बोलते हैं मैटर एक्चुअली इन इशू और चाहे मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू ये देखिए मैटर क्या मतलब इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन थ्री है धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन थ्री जो अभी मैं आपको बताऊंगा और मैटर कंस्ट्रक्टिवली हमारे पास एक्सप्लेनेशन फोर है धारा ग्यारह का तो ये दो एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन थ्री बताता है कि मैटर एक्चुअली इन इशू का क्या मतलब और एक्सप्लेनेशन फोर बताता है मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का क्या मतलब ध्यान दीजिए तो अभी हम लोगों ने देखा धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन वन ने बताया फार्मर सूट का क्या मतलब धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन टू ने बताया कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का क्या मतलब अब धारा ग्यारह का एक्सप्लेनेशन थ्री बताता है मैटर एक्चुअली इन इशू का क्या मतलब मैटर एक्चुअली इन इशू का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना और दूसरे व्यक्ति के द्वारा डिनाई किया जाना इसको हम बोलते हैं मैटर एक्चुअली इन इशू जैसे मैं कहता हूं ये पेन हमारी है और जिसके खिलाफ मैं कहता हूं वो कोर्ट में आके कहता है नहीं नहीं ये पेन हमारी है तो ये एक्चुअल इशू है कि आखिर ये पेन किसकी है एक्सेप्टेड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अदर इसको हम बोलते हैं एक्चुअल इशू तो एक्सप्लेनेशन थ्री में यही बात लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब कि मैटर एक्चुअली इन इशू है तो अगर मैटर एक्चुअली इन इशू का मतलब एक्सेप्टेड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अदर तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल अब मान लीजिए कि हमने इसको बोला हमारी है वो कराए हमारी है और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया अब इसी पेन को हम दोनों फिर से मुकदमा किसी कोर्ट में करना चाहते हैं तो बार्ड बाई रेस ड्यूडिकेटा होगा क्योंकि ऑलरेडी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था तो जो फ्रेज था धारा दस में मैंने छोड़ा था जो धारा ग्यारह में भी हम बात करा वही फ्रेज है मैटर डायरेक्टली इन का मतलब या तो मैटर उजागर नहीं किया जाएगा दूसरा इसमें एक्सप्लेनेशन फोर है ये कहता है मैटर मैटर डायरेक्टली इन इशू तो नहीं था लेकिन कंस्ट्रक्टिवली इशू था कंस्ट्रक्टिव इशू था जैसे मैं कहता हूं ये पेन हमारी है क्योंकि इसको मैंने कानपुर के मार्केट से खरीदा है और अपोजिट पार्टी कहता है नहीं नहीं पेन हमारी है और न्यायालय ने इसको पार्टी के फेवर फेवर में में डिसाइड डिसाइड कर कर दिया दिया मान लीजिए करिए कानपुर की कोर्ट ने इसको पार्टी के इसके बाद कानपुर कोर्ट में मैं फिर मुकदमा इसी पेन के लिए उसी आदमी के खिलाफ दाखिल करता हूं और मैं क्या कहता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि जज साहब जो पहली बार मैंने बोला था यह पेन हमारी है क्योंकि कानपुर से खरीदा था और थोड़ी सी गलती हो गई हमसे यह पेन इसलिए हमारी नहीं है कि कानपुर से खरीदा था यह पेन इसलिए है क्योंकि किसी ने हमको गिफ्ट किया था तो अब आप गिफ्ट के आधार पे इसको डिसाइड करो अब ध्यान दीजिए अब मैं ये नहीं कह सकता और इतना कहने के लिए फिर से मुकदमा इसी पेन के उसी व्यक्ति के खिलाफ हम दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम कंस्ट्रक्टिव इशू बोलते हैं जो भी पॉसिबल डिफेंस था जिसको आपको पहले वाले मुकदमे में उठाया जाना चाहिए था तो उसको आपको पहले वाले मुकदमे में उठा लेना चाहिए था चाहे जितने पॉसिबल डिफेंस थे सब आपको ले लेना चाहिए था जितने पॉसिबल क्लेम थे वो सारे आपको कर देने चाहिए थे या तो आपने खरीदा है या आपको गिफ्ट मिली है या मॉर्गेज मिली है या कहीं से गिरा हुआ पाए हैं कुछ भी जितने भी आपके डिफेंस हैं सबको आप रेज कर लेते कोर्ट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर देती ये पेन आपका किस आधार पे है लेकिन पहले वाले मुकदमे में आपने बहुत साधारण तौर पर और बहुत ही सटीक तौर पर बोला है कि इसको हमने खरीदा है और और अभी एक तो तो सेल रिसीट रिसीट आप 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 दिखा पाए, ना दिखा पाए, ना कुछ आप दिखा परचेज कुछ न्यायालय ने, ने इसको आपके अगेंस्ट डिसाइड कर दिया तो फिर से उसी पक्षकार के के खिलाफ इसी मामले को लेकर मुकदमा इस आधार पे नहीं दाखिल करेंगे कि हमारा वो कंस्ट्रक्टिव रेस से बार्ड जो चार में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं

तो ये था एक्सप्लेनेशन थ्री और एक्सप्लेनेशन फोर तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन एक दो तीन चार तक अभी तक देखा अब इसमें जो कंस्ट्रक्टिव रेस रेसिकेटा का प्रिंसिपल है इसमें एक बड़ा लीडिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत लीडिंग जजमेंट जजमेंट है उस को अभी मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको यह पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस रेस्टुडिकेटा को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लेट डाउन किया था तो एक बड़ा लीडिंग सा जजमेंट है बस मैं लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा कंस्ट्रक्टिव रेस रेस्ट्युडिकेटा पे लीडिंग केस है देखिए तो उस केस का नाम है इसको मैं क्लियर करके फिर उस पर लिखता हूं उस केस का क्या नाम है उस केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन यह मामला निस्तारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ए आई आर नाइनटीन डबल सेवन सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर वन सिक्स एट जीरो मामला है तो इस केस का नाम हम लोगों ने क्या देखा इस केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1977 में डिसाइडेड है और अगर ऑल इंडिया रिपोर्टर आप देखेंगे तो उसके पेज नंबर 1680 पे पर जजमेंट आपको मिल जाएगा इसको कानून की भाषा में साइटेशन बोलते हैं अब ध्यान दीजिए स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन क्या हुआ था इसमें, इसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर है और इसके चार पांच एलिगेशन इसके खिलाफ लग गया है घूस लेने, लेने का ऐसा एलिगेशन लग गया है सब इंस्पेक्टर है पुलिस में नवाब हुसैन तो एलिगेशन जो लगाया गया एसपी साहब के पास लगाया गया एसपी साहब ने इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया और कमेटी का हेड जो है

जब डीआईजी ने इसको सस्पेंड कर दिया तो ये बड़ा एग्रीव है ये पहले तो डिपार्टमेंटल एक्शन लेता है डिपार्टमेंट में ही प्रोसीडिंग फाइल करता है कहता है भाई हमको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हमको अपने पक्ष को नहीं रखने दिया गया इसलिए हमारे डिसमिसल को वापस ले लिया जाए लेकिन डिपार्टमेंट से इसको कोई रिलीफ नहीं मिलती है और फिर यह संविधान के अनुच्छेद दो के तहत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में यह रिट पिटीशन फाइल करता है और यह मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए मामला दाखिल करता है लेकिन उच्च न्यायालय पाती है कि नहीं भाई आपके खिलाफ ड्यू इंक्वायरी करी गई थी डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी कांस्टिट्यूट किया था कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की थी और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर आपको दोषी पाया गया था तो पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया है और आपका डिसमिसल ठीक है आप जाइए यहाँ से और उसका रिट पिटीशन डिसमिस कर दिया गया जब उसका रिट पिटिशन डिसमिस कर दिया गया तो ये वो क्या करता है एटा डिस्ट्रिक्ट की बात थी अगर यूपी में एटा डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा तो एटा डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है और एटा डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में वो सिविल मामला दाखिल करता है धारा नौ सीपीसी के तहत और जाके वहां पर मामला जब दाखिल करता है तो सिविल कोर्ट से कहता है कि जज साहब हमको गलत रूप से हटा दिया गया है ये मेरा लोक पद है और लोक पद धारा नौ में कोर्ट का जो होता है लोक पद के वायलेशन के मामले में आप धारा नौ में मामला संसित कर सकते हैं तो यह जाता है कोर्ट को बताता है कथा है धारा नौ का मामला है हमारा लोक पद है हमको लोक पद से हटाया गया है इसलिए धारा नौ के अंदर क्या आती है आप हमारे मामले को सुने एटा कोर्ट ने इसके प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट करने के बाद ये एटा कोर्ट में जो डिफेंस लेता है अपने प्लेंट में क्या बोलता है ये कहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हालांकि हमने रिट फाइल किया था लेकिन एक गलती हो गई थी मुझसे मैंने वहां पे बोला था कि हमको डीआईजी ने हटाया है जबकि डीआईजी ने नहीं हमको आईजी ने हटाया आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने लिख दिया था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तो थोड़ा गलती हो गई थी हमसे हमको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने नहीं हटाया था जज साहब हमको आईजीपी ने हटाया था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने हटाया था तो इसलिए उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी अब ये जो लोअर कोर्ट है जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है इसको देखते हैं देखने के बाद वो कहते हैं कि नहीं भाई आपका मुकदमा जो है ना रेस्ट जुडिकेटा से बार्ड है इसलिए रेस जुडिकेटा से बार्ड है क्योंकि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं आप ऑलरेडी इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेज कर चुके हैं और इलाहाबाद कोर्ट में आपने बोला मींस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तो जब डीआईजी की बात वहां पे करे हैं और फिर अब हमारे कोर्ट में आ रहे हैं क्या आपको आईजी ने हटाया है फिर मैं अगर यहां से खारिज करूंगा तो फिर आप कुछ तीसरे अधिकारी के खिलाफ आएंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको एक्सप्लेनेशन फोर धारा ग्यारह में लिखाया गया है कि जो भी पॉसिबल डिफेंस थे आपको एक ही मुकदमे में लेके आना है अगर उस मुकदमे में सारे पॉसिबल डिफेंस और क्लेम आप नहीं लेके आते हैं तो ऐसे माना जाएगा जैसे वो क्लेम और डिफेंस आप रेज कर चुके हैं और वो कोर्ट के द्वारा निस्तारित हो चुका है तो जो पहला वाला मुकदमा था उसने उसमें अपने केवल और केवल डीआईजी की बात करा था और अब आप आई की बात कर रहे हैं तो ये बात आपको नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि आपको प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट ऑलरेडी था फार्मर सूट ऑलरेडी था और फार्मर सूट डिसाइडेड है और आपको ये नहीं करने दिया जाएगा आपका सूट बार्ड बाई रेस जो है इससे घबराता है तो ये अपील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वही बात कहती है जो सिविल जज जूनियर डिवीजन ने बोला था Osionfish. इसके बाद हाई कोर्ट में अपील करता है रेगुलर अपील हाई कोर्ट में करता है और कोर्ट इसको रीट कर देती है तो स्टेट ऑफ यूपी इसके खिलाफ अपील में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और इसीलिए इस केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आणविक प्रयांग न्याय के सिद्धांत को लागू किया था था कंस्ट्रक्टिव के प्रिंसिपल को लागू किया था जो धारा एक्सप्लेनेशन चार में है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का डिसीजन था वो ठीक था क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब आपने क्या बोला था कि भाई ऑलरेडी इलाहाबाद कोर्ट में आपने मामले को रेज किया था वहां आपने डीआईजी के खिलाफ रेज किया आप, आप आईजी के खिलाफ आ रहे हो फिर कहीं और किसी के खिलाफ जाओगे तो यह नहीं माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस रेस्टिडिकेटा का ये मतलब है कि जो भी पॉसिबल क्लेम है आपको एक ही बार बोलना है ना कि आपको बेंच हंटिंग करना है तो ये बेंच हंटिंग हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव रेस से बाढ़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंस्ट्रक्टिव रेस लगाया था और इस सब इंस्पेक्टर के पिटिशन को खारिज कर दिया था कहा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो खत्म हो गया आपका मामला प्रांग न्याय से बाधित है और वो प्रांग न्याय अनविक प्रांग न्याय है जो एक्सप्लेनेशन चार में है तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन तीन और चार मैटर एक्चुअली इन इशू का क्या मतलब और मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन का क्या मतलब तो मैटर इशू में होना चाहिए तभी धारा दस लगेगी धारा ग्यारह लगेगी वो मैटर इशू में जो होना चाहिए वो एक्चुअल इशू होगा चाहे कंस्ट्रक्टिव इशू होगा तो ये हम लोगों ने देखा अब एक चीज इसमें आता है कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू और एक और बात है जिसको मैं यहां पे चार्ट के माध्यम से फिर आपको बताऊंगा तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली की अलावा क्या है जिसका मामला शुरू भी हो सकता है उसी पार्टी के बीच में उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के धारा दस में भी शुरू हो सकता है ग्यारह में भी शुरू हो सकता है वो को इशू है उसको मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं थोड़ा आप स्क्रीन पर ध्यान दें फिर मैं उस चार्ट को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं देखिए मैटर इन इशू मैटर इन इशू इसको आप दो भाग में बांट दीजिए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू और यहां पे लिखें आप मैटर को लेटरली इन इशू को लेटरली इन इशू ध्यान दीजिए मैटर को लेटरली इन इशू अब ये जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है ये फिर दो भाग में है मैटर एक्चुअली इन इशू और मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू जिसको हम लोगों ने अभी समझ लिया है एक्सप्लेनेशन थ्री और एक्सप्लेनेशन फोर इसमें अभी हम लोगों ने समझ लिया था मैटर डायरेक्ट एक्चुअली इन इशू और कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का क्या मतलब है अब ये ध्यान दीजिए मैटर कोलेटरली इन इशू जो मैटर कोलेट्रलि इन इशू है इस पे न तो धारा दस लागू होगी और न ही इस पे धारा ग्यारह लागू होगी दोनों नहीं लागू होगा क्योंकि धारा दस और ग्यारह दोनों किसकी बात करते हैं मैटर शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू और अगर आप चार्ट में देखेंगे तो मैटर डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू का क्या मतलब मैटर या तो एक्चुअल इशू में है या कंस्ट्रक्टिव इशू में है तो या तो हमने एक्सेप्ट किया दूसरे ने डिनाई किया एक्चुअल इशू है हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और डिनाई करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं रेज किया ये कंस्ट्रक्टिव इशू है तो डायरेक्ट और सब्सटेंशियल इशू का मतलब एक्चुअल इशू या कंस्ट्रक्टिव इशू अब जो मैटर इन इशू है जो चार्ट में लास्ट में लिखा गया है मैटर इन इशू ध्यान ध्यान दीजिए इसको मैटर इन इशू इसका क्या मतलब इस पे रेस जुडिकेटा और रेसुडिस दोनों नहीं लगेगा मैं एक एग्जांपल इसी स्क्रीन इस पे आपको समझा रहा हूं ध्यान दीजिए मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ये वाली इस प्रॉपर्टी में दो मुकदमेदार हैं ए है और बी है ए सूट फाइल करता है कोर्ट नंबर सी में और कहता है जज साहब ये प्रॉपर्टी हमने हमने लीज लीज पे पे दिया है B को, B को हमने लीज़ पे दिया है है बी बी को को ये प्रॉपर्टी जो यहां पे मैंने इसे डॉट लाइन में बना रहा हूं ये बी को हमने लीज पे दिया है और इसका जो साल भर का रेंट है वो है बीस हजार रुपए ये बात ये बताता है बीस हजार रुपए और ए जो है कोर्ट नंबर सी में एलिगेशन लगाता है बीस हजार रुपए साल भर का था तो बी को हमको बीस हजार रुपया देना चाहिए था लेकिन जज साहब बी ने क्या किया है बी ने हमको साल भर का दिया है न्यायालय दे दे। में बी जब न्यायालय में जाता है कहता है कि जज साहब इनकी प्रॉपर्टी जब इन्होंने दिया था तो बताया था कि यह प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है दो हेक्टेयर है जमीन है जब दो हेक्टेयर जमीन है तो बीस हजार रुपए की बात थी तो मैं इनको बीस हजार रुपए देने के लिए तैयार था लेकिन जब मैं जाकर के इसकी पैमाइश करा मौका मुआयना करा तो मैं देखा कि ये जमीन एक हेक्टेयर है।, है? है, तो है जब एक हेक्टेयर है तो बीस हजार न देकर के हमने इनको दस हजार दिया तो इसमें हमारी गलती क्या है हमने तो ठीक ही इनको दिया हुआ है कोर्ट कहती है कोर्ट नंबर सी कहती है अच्छा ठीक है सही बात बोल रहे हो तुम दोनों तो चलो हम एक बार इंस्पेक्शन कराते हैं कि आखिर इस जमीन की एक्चुअल एरिया क्या है ध्यान दीजिए

ये तो एक्चुअल इशू था ध्यान दीजिए एक्चुअल इशू था जो हम लोगों ने चार्ट में बनाया है लेकिन ये ये जो एडिशनल हेक्टेयर है कैसा इशू है ये कोलेटरल इशू है? है ध्यान दीजिएगा कोलेटरल इशू है इस पे न तो धारा ग्यारह लगेगी न ही धारा दस लगेगी इसके लिए उसी पक्षकार के बीच में उसी न्यायालय में फिर से मुकदमा दाखिल हो सकता है न तो स्टे लगेगा न ही रेस जुडिकेटा लगेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक हेक्टेयर लैंड है ल कोलेटरल इशू है वो रेस्टिकेटा से नहीं है तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि जो धारा धारा में में और मैटर इन इशू लिखा हुआ है चाहे वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू में चाहे एक्चुअली हो चाहे कंस्ट्रक्टिवली हो तभी दोनों धारा अप्लाई होंगे लेकिन अगर मैटर को लेटरल इशू है तो उसमें धारा दस और ग्यारह लागू नहीं होते तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया इसमें धारा ग्यारह के एक्सप्लेनेशन तीन और चार के साथ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं धारा ग्यारह में तीन और चार के बाद चूंकि आठ एक्सप्लेनेशन है अब आइए धारा का एक्सप्लेनेशन नंबर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन क्या है बोलता है बोलता कि वो मैटर जो कोर्ट ने लेफ्ट आउट कर दिया ध्यान दीजिएगा जो लेफ्ट आउट कर दिया वो डीम टू हैव बीन डिसाइडेड है डीम टू हैव बीन डिसाइडेड जैसे है इस पेन के लिए मैंने मिस्टर ए पर मुकदमा दाखिल कर दिया और मैं पांच चीज मांगता हूं इस पेन से संबंधित पांच में से कोर्ट ने चार हमको दिलवा दिया लेकिन एक जो हमारी मांग है उस पर कोर्ट चुप है कुछ नहीं बोलती है ना तो हमको दिलवाती है ना उसको डिनाई करती है कुछ नहीं करती है इस जिस पॉइंट पे कोर्ट साइलेंट है इसको हम ऐसे मानेंगे जैसे कोर्ट ने हमारे लिए रिफ्यूज कर दिया है इसको कोर्ट ने हमारे लिए मना कर दिया है इस लेफ्ट आउट मैटर के लिए हम अलग से सूट नहीं फाइल करेंगे अगर अलग से सूट फाइल करेंगे तो रेस्टिकेटा से बार्ड हो जाएगा तो एक्सप्लेनेशन पांच इसको क्लियर करता है कि जो मैटर लेफ्ट आउट है कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड नहीं है इसको हम मानते हैं डीम टू हैव डिसाइडेड

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात है प्रतिनिधिक वाद की बात है प्रतिनिधिक वाद अब जैसे मान लीजिए अभी रेस सब जुडिकेटा दोनों में हम लोगों ने क्या देखा सेम 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 पार्टी पार्टी सब्जेक्ट मैटर कोर्ट का क्या मतलब सेम पार्टी का मतलब क्या ए और बी तो बस ए और बी ना एक्सप्लेनेशन इसको और बढ़ाता है कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी रेस जुडिकेटा लगेगा अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है नूमरस पर्सन ध्यान दीजिए परसन, एक रूल आठ की मैं बात कर रहा हूं नूमरस पर्सन और उनका सेम इंटरेस्ट है तो वो सारे मिलकर के एक सूट फाइल कर सकते हैं Numerous पर्सन है बहुत ज्यादा पर्सन है बहुलतावादी लोग हैं मैंने दस पंद्रह बीस हजार लोग हैं और लेकिन सबका इंटरेस्ट एक ही है तो वो केवल एक सूट फाइल करेंगे कोई जरूर नहीं है कि हजारों लोग अलग अलग मुकदमा दाखिल करेंगे कोटाफला में नहीं तो क्या हो जाएगा हजारों मुकदमा हो जाएगा तो इसलिए एक ही मामला दाखिल होगा अब जब एक मामला दाखिल हुआ उसमें सबको नोटिस दे दी जाएगी सब कुछ हो जाएगा जो प्रोसीजर है आर्डर वन रूल एट में वो सारा कंप्लाई कर लिया गया और यह मामला निर्धारित हो गया जब कोर्ट ने इसको निर्धारित कर दिया तो ये सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा चाहे वो एक हजार लोग हैं चाहे एक लाख लोग हैं सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा और उसमें से कोई भी बंदा अब ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो इसमें डायरेक्ट सूट नहीं फाइल किया था इसी मामले के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन और ज्यादा आपको समझना होगा तो आप आर्डर एक और रूल आठ को पढ़ लीजिएगा सीपीसी में आपको और भी क्लियर हो जाएगा लेकिन इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट जिसमें रेस्ट्यूडिकेटा लगता है अब आगे देखिए एक्सप्लेनेशन सेवन

जो बोलता है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जोरिस्डिक्शन ध्यान दीजिए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जोरिस्डिक्शन के भी डिसीजन पे रेस जोडिकेटा लगता है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जोरिस्डिक्शन क्या है जैसे मान लीजिए रेवेन्यू कोर्ट है जैसे मान लीजिए लेबर कोर्ट है जैसे मान लीजिए फैमिली कोर्ट है तो अगर उसने डिसाइड कर दिया तो आप उसको आप सिविल कोर्ट में नहीं लेके आएंगे क्योंकि वो वो लिमिटेड के के कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है है फिर भी डिसाइडेड तो अगेन क्योंकिटा उसको आप साधारण कोर्ट में फिर नहीं लेके आएंगे तो ये एक्सप्लेनेशन आठ है तो इस तरीके से धारा ग्यारह में आठ एक्सप्लेनेशन है जो रेस जुडिकेटा को इस तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं और एक्सप्लेन करे हुए हैं अब ध्यान दीजिए ये जो धारा 11 ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है तीन मैगजिम है लीगल जिस पे धारा 11 बेस्ड है पहली मैगजिम है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिश लिटियम ये एक मैगजिम है लीगल मैगजिम कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमे का अंत होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मुकदमा असीमित चलना चाहिए एक ही मामले के लिए एक ही पक्षकार इस कोर्ट में उस कोर्ट में उस कोर्ट में बीस मुकदमा दाखिल कर दिए तो मल्टीपल प्रोसीडिंग हो जाएगा तो इसीलिए इंटरेस्ट रिपब्लिक का अंत होना चाहिए ये मैगजिम है जिसमें धारा ग्यारह बेस्ट है इसीलिए लिखा हुआ है कि मल्टीपल सूट नहीं फाइल होगा सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए सेम पार्टी के द्वारा नहीं एक ही फाइल होगा एक ही डिसाइड होगा और अगर दो करेंगे तो या तो स्टे हो जाएगा या रेस्यू डीकेटर से बाढ़ हो जाएगा तो ये पहला मैगजिम है अब स्टेट के हित में कैसे है राज्य के हित में कैसे है कि मुकदमे का अंत होना चाहिए क्योंकि राज्य ने जिम्मेदारी लिया है हमारे लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप विधि शास्त्र में देखेंगे तो इसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलते हैं सामाजिक संविदा का सिद्धांत तो राज्य का दायित्व तो है कि हमारे लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे अगर राज्य इसमें विरत रहता है इसका मतलब राज्य के हित में नहीं है आंदोलन हो जाएगा मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी नहीं प्रोटेक्ट की जा जाए हमारे घर में रोज चोरी हो रहा है डकैती हो रहा है नारकी हो गई देश में तो आंदोलन हो जाएगा ना पुलिस पर विश्वास ही नहीं है हमको कोर्ट पर विश्वास ही नहीं है देश टुकड़ों में टूट जाएगा इसीलिए राज्य के हित में है कि नहीं लोगों की प्रॉपर्टी लिबर्टी की रक्षा की जानी चाहिए तो राज्य के हित में है कि मुकदमे का अंत होना चाहिए नहीं तो देश कायदे से नहीं चलेगा तो यह पहली मैगज है पहला बेसिस है जिस पर एसडीडी बेस है दूसरा मैगजिम यह है न्यायालय के निर्णयों में निश्चितता होनी चाहिए अगर मान लीजिए आप एक ही मामले के लिए एक ही पक्षकार दस मुकदमा कर दिए और दस अलग अलग निर्णय आ गया कोर्ट ए ने फेवर में ए के डिसाइड कर दिया कोर्ट बी ने दूसरे पक्षकार के फेवर में डिसाइड कर दिया तो इसमें न्यायालय की निर्णय में निश्चितता कहा है अनिश्चित निर्णय हो गए कहेगा कि एक कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसाइड किया बी दूसरी कोर्ट ने तो हमारे फेवर में डिसाइड किया है इसीलिए एक ही मुकदमा दाखिल होगा एक ही निर्णय आएगा तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि न्यायालय के निर्णय में निश्चितता होनी चाहिए और तीसरा जो है वो है कि किसी भी व्यक्ति को एक मामले में दो एक से ज्यादा बार तंग नहीं किया जाना चाहिए इसको हम क्रिमिनल लॉ में अगर देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं डबल जियो पार्टी डबल जीओ पार्टी तो एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार आप ट्रायल और उसको दंडित नहीं करेंगे सिमिलरली सिविल मामले में ऐसे चलता है कि एक व्यक्ति के लिए एक सिविल रंग के लिए एक ही मुकदमा होगा ऐसा नहीं एक सिविल रंग उसने कमिट किया है तो आप उसके खिलाफ दस मुकदमा दाखिल कर दोगे तब तो दस बार बेचारा तंग हो जाएगा तो ये कुछ मैगजिम है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसपे धारा ग्यारह बेस्ड है ठीक है तो ये हो गया धारा ग्यारह का प्रिंसिपल धारा ग्यारह के जो बेयर प्रोविजन है उसके जो एक्सप्लेनेशन है और धारा दस जिसका बेयर प्रोविजन है और एक्सप्लेनेशन है अब इसमें कुछ और थोड़ी सी बातों को लेकर आते हैं कुछ और कॉम्पोनेंट है इसमें जैसे धारा ग्यारह रेस जुडिकेटा और रिट ज्यूरिस्टिक्शन ध्यान दीजिए रेस्ट जुडिकेटा और रिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे मान लीजिए रिट क्या होता है रिट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाते हैं अगर हमारा मूल अधिकार जो भारत के संविधान के भाग तीन में दिया गया है समानता से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक अगर वो प्रभावित हो जाता है स्टेट उसको वायलेट करता है तो हम रिट के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अब मान लीजिए हमारा मूल अधिकार प्रभावित हो गया मैं बनारस का रहने वाला हूं और मैं उस मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए कहां पे जाता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 में जाता हूं हाई कोर्ट क्या करती है हाई कोर्ट कहती है नहीं नहीं आपका ये मूल अधिकार नहीं हमारे पिटीशन को खारिज कर देती है इसके बाद मैं उसी मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में आता हूं संविधान के अनुच्छेद में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी कोर्ट है हाई कोर्ट कोर्ट छोटी है जबकि रेस सेम कोर्ट की बात करता है तो क्या रिट के मामले में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे मामले को निस्तारित कर दिया था धारा 226 में तो क्या धारा 32 में उसको हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं भारत के संविधान के तहत तर... नहीं आ सकते इसको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा इन रिट मैटर्स तो रिट के लिए फंडामेंटल राइट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेम कोर्ट मानी जाती है।, ये सेम कोर्ट है, ये सिमिलर कोर्ट है इनको आप ये नहीं कहेंगे कि एक तो बड़ी अदालत है दूसरी छोटी अदालत है ना ये बार्ड बाई रेस जुडिकेटा बहुत लीडिंग केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उस केस का नाम है दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी तो दरिया वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा लीडिंग केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि रिट के मामले में भी रेस जुडिकेटा लागू होता है अगर हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया आप फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते इसके बाद यह है कि को प्लेंटिव और को डिफेंडेंट के बीच में रेस्ट ज्यूडिकेटा दीजिए को प्लेंटिव को डिफेंडेंट मान लीजिए ए बी सी वर्सेस डी या ए वर्सेस बी सी डी तो एक तरफ कई प्लेंटिव है एक तरफ कई डिफेंडेंट है कभी कभी इन प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बीच में भी आपस में रेस ज्यूडिकेटा लग जाता है लेकिन इसका कुछ कंडीशन है जब इनका सब्सटेंशियल हित इन्वॉल्व हो जब ये राइवल पार्टीज हो और जब इनका सब्सटेंशियल हित कोर्ट ने सुना हो और जब इसको कोर्ट ने फाइनली निस्तारित कर दिया हो तो ये तीन चार एसेंशियल अगर फुलफिल हो जाएंगे तो रेस जुडिकेटा को प्लेटिव और को डिफेंडेंट में भी लागू होता है कभी कभी रेस जुडिकेटा प्रोफार्मा डिफेंडेंट में भी लागू होता है प्रोफार्मा डिफेंडेंट ऐसा डिफेंडेंट है जो एक्चुअल डिफेंडेंट नहीं है जिससे आप कुछ क्लेम नहीं करते हैं लेकिन उससे उसके खिलाफ बी रेस ड्यूडिकेटा लगता है जैसे मान लो आईआईटी कानपुर के खिलाफ हमको मुकदमा दाखिल करना है तो हम ए वर्सेस आईआईटी कानपुर एंड स्टेट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ यूपी हम डालेंगे इसमें तो अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी इसमें प्रोफार्मा डिफेंडेंट है तो प्रोफार्मा डिफेंडेंट को अगर एक बार आपने डिफेंडेंट बना दिया तो बाद में इसी मामले में ऐसा नहीं आईआईटी कानपुर को हटा के सीधे आप स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ मुकदमा करोगे नहीं कर सकते क्योंकि रेस ड्यूडिकेटा प्रोफार्मा डिफेंडेंट पे भी लागू होता है तो ये सारे इसके कुछ कॉम्पोनेंट थे तो हम लोगों ने क्या देखा मैं थोड़ा सा समअप करूं इस लेक्चर को हम लोगों ने ये देखा इस मॉड्यूल तीन में सीपीसी के मॉड्यूल तीन तीन में हम लोगों ने देखा कि धारा दस धारा ग्यारह वाद का रोक दिया जाना और प्रांग न्याय हम लोगों ने देखा जब दो सूट हैं एक पहले से चल रहा है दूसरा आप दाखिल करेंगे दूसरा स्टे कर दिया जाएगा धारा ग्यारह बोलता है जब दो सूट है एक पहले ने कर दिया गया है जब दूसरे पे आप आएंगे दूसरा कोर्ट टेकअप ही नहीं करेगी कि मैटर एज डिसाइडेड तो कोर्ट आपके मामले को नहीं टेकअप करेगी तो बार्ड बाई रेस डिटिकटा हो जाएगा अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टें इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उस सबको हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू की बात हुई मैटर एक्चुअली इन इशू की बात हुई मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू की बात हुई मैटर इन इशू की

Hello and welcome to this piece of literary snippet. Today, we are going to read a section from Virginia Woolf's novel, Orlando. And the section that we are going to listen to today is perhaps one of the finest descriptions of the winter season in English literature. It is also a very fine piece of what we call fantasy writing i have made a few changes to the original to adapt it for the purpose of reading the great frost was historians tell us the most severe that has ever visited these islands birds froze in mid-air and fell like stones to the ground at norwich a young countrywoman started to cross the road in her usual robust health and was seen by the onlookers to turn visibly to powder and be blown in a puff of dust over the roofs. The mortality among sheep and cattle was enormous. Corpses froze and could not be drawn from the sheets. It was no Uncommon sight to come upon a whole herd of swine frozen immovable upon the road. The fields were full of shepherds, plowmen, teams of horses, and little birds carrying boys, all struck stark in the act of the moment. One with his hand to his nose, another. With a bottle to his lips, a third with a stone raised to throw at the ravens, who sat upon the hedge within a yard of him as if they were stuffed birds. The severity of the frost was so extraordinary that a kind of petrification sometimes ensued. It was commonly supposed that the great increase of rocks in some parts of Derbyshire was due to no eruption for there was no eruptions rather it was supposed that they were due to the solidification of unfortunate wayfarers who had been turned literally to stones where they stood the church could give little help in the matter and though some landowners had these relics blessed the most part Preferred to use them either as landmarks, scratching posts for sheep, or when the form of the stone allowed, drinking troughs for cattle, which purpose they serve admirably for the most part to this day. But while the country people suffered the extremity of want, and the trade of the country was at a standstill, London enjoyed a carnival of utmost brilliance. The new king directed that the re river, which was frozen to a depth of 20 feet, should be swept, decorated, and given all the semblance of a park or pleasure ground with arbors mazes alleys drinking boots all at his expense of course frozen roses fell in showers when the queen and her ladies walked abroad colored balloons hovered motionless in the air here and there burnt vast bonfires of cedar and oak wood lavishly salted so that the flame were of green Orange and purple fire. But however fiercely they burnt, the heat was not enough to melt the ice, which, though of singular transparency, was yet of the hardness of steel. So clear, indeed, was the ice that there could be seen, congealed at a depth of several feet, here a porpoise, there a flounder. Shoals of eels lay motionless in a trance. But whether their state was one of death or merely of suspended animation, which uh, the warmth would revive, puzzled the philosophers. In short, nothing could exceed the brilliancy and gaiety of the scene by day. But it was at night. That the carnival was at its merriest. The nights were of perfect stillness. The moon and stars blazed with the hard fixity of diamonds. And to the fine music of flute and trumpet, the courtiers danced. See you in the next episode of Literary Snippet.